शाहपुर जनपद के बाबूगढ़ थाना में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य क्षेत्र में अमन कायम रखने व सभी गांवों में सीसीटीवी कैमरा लगवाना था। थाना प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि 6 दिसंबर अयोध्या के लिए विशेष दिन रहा है। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ प्रभारी निरीक्षक उत्तम सिंह राठौर ने कहा कि अपराधियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और अपराधी गतिविधियों में लिप्त लोगों के बारे में गुप्त सूचना दें। सूचना देने वाले को गुप्त रखा जाएगा। इस मौके पर थाना प्रभारी निरीक्षक उत्तम सिंह राठौर ने कहा कि अगर किसी की तहरीर फर्जी पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस दौरान गाँव में पहरा लगाने के भी आदेश दिए गए। शांति समिति के बैठक में आए हुए सभी गांव के लोगों व प्रधानों ने कहा कि ग्राम प्रधान द्वारा शिकायत की गई कि बछलोता रोड पर वह NH9 पर जाम लगता है और वहां से 30 मीटर दूरी तक कोई थ्री व्हीलर या अन्य वाहन नहीं खड़ा होगा, इसकी हिदायत जारी की। बैठक में अधिकारियों समेत गांव के गणमान्य लोग मौजूद रहे। चेयरमैन साहब, ये मीटिंग हुई है, किस उसको लेके मीटिंग हुई है? हमारे नवनीत यशवंत साहब राठौर जी अभी चार्ज लिया है, उन्होंने सभी गांव प्रधानों को बुलाया। उनकी समस्या है, कोई भी समस्या क्षेत्र में गांव प्रधानों की समस्या, कोई जनता की समस्या है। और इन्होंने एक हेलमेट के लिए भी जोर दिया है कि सभी से अनुरोध है अभी हेलमेट लगा के चले, बाकी कुछ भी देखा जाएगा लेकिन हेलमेट के बिना नहीं बख्शा जाएगा। एक समस्या ये आई थी कि रोड पे कुछ ठेले वाले या टेम्पू वाले रोड पे खड़ा कर देते हैं, उन्हें हटाया जाए, रोड साफ रखा जाए ताकि न जाम लगे और लोगों को परेशानी ना हो। मैं समस्या तो ये थी, बाकी पूछा गया सभी से, कोई समस्या बताइए, बिजली की समस्या कोई भी है उसका हम कोशिश करेंगे, हम साथ लेकर उसका समाधान करेंगे। क्या नाम है आपका? और बस JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।